आइए देखते हैं डीवीटीवी न्यूज। जायद लिया जायद जायद ले ले आप भी लो। चलिए मुबारक हो जाता है। मैं बोर्ड मीटिंग से पहले कर लेता हूं। ठीक वेलकम सर। आइए साहब तो रखो और सर भी लगा। मैंने अपने लीडर ऑफ सब एक विजिट कर ली अपन। पैदल चलो कहां से देता हूं खत्म कर सकते हैं। टेंशन ले लो तो किससे बात मत करो। बस छोटा बात है। इतना नमाज पढ़ लो यही मालूम भाई मैं हरी सर साहब को कल मिल के जाके बोलना है। बोलना बिल्कुल सर बिल्कुल संगारेड्डी के मसाइल के ताल्लुक से चेयरमैन साहब सलीम साहब से नुमाइंदगी करने के लिए बहुत सारे 50-60 आदमी एक वफद लेके आए। इंदर खान मस्जिद में साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है। मस्जिद है सो तहारत खाना नहीं है और उसके तहत 114 एकड़ ज़मीन है उसका प्रोडक्शन कोई नहीं है। और तालापल्ली बोल के एक मौजा है वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन है उसको केसेस जीत गए हम लोग मगर उसको कब्ज़ा हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं चल रही। और 656 सर्वे नंबर कंदी में 35 एकड़ ज़मीन है उसका भी है सो कब्ज़ा दूसरों के इसमें है। हालांकि हम लोग वक्फ ट्रिब्यूनल में 20 साल की मेहनत से केसेस जीतने के बावजूद हमारे वो कब्ज़ा वापस लेने के ऐसे ना वक्फ बोर्ड कोशिश करे ना वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल खादर का भी उस पर तवज्जो दे रहे और कई जगह है सो कब्ज़े हो रहे हैं। 114 एकड़ ज़मीन संगारेड्डी में 359 सर्वे नंबर एक है और 311 सर्वे नंबर है इसमें दूसरे लोगों के कब्ज़े हो जा रहे मगर इसको रोकने के ऐसे कोई कोशिश नहीं चल रही जिसकी नुमाइंदगी करने के लिए वक्फ बोर्ड को सलीम साहब के पास आए हम और वायदा करें सलीम साहब ये जो भी खारिज करे हैं उसको खारिज कराएंगे बल्कि वायदा करे हैं और जो भी ताउन है मदद करेंगे बल्कि। इंस्पेक्टर फादर साहब कितने बार आए? डॉक्टर साहब की तो कोई खिदमत नहीं है बस उन्होंने आना और अटेंडेंस डालना हफ्ते में 2-3 दिन उसके बाद चले जाना उनकी शिकायत करें हम उस सारी चीज़ों का जायज़ा लेके उनके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई करने का सलीम साहब वायदा करें। मैं साहब फतेह खान नगर रहमतुल्लाह दरगाह का सदर हूँ संगारेड्डी। वहाँ पे जो है हम लोग जो है सलीम साहब से चेयरमैन साहब से हम लोग लोग जो है मीटिंग के लिए आए हैं संगारेड्डी कांचवे सदासपेट से और संगारेड्डी से तमाम जो दो सहबाब जो है एक 50-60 लोग जो एक डेलीगेशन लेके आए हुए हैं और परसों जो है हम लोग जो है हमारे मिनिस्टर हरीश राव इंचार्ज हमारे ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर साहब से मिले और हमारे MP कुत्ता प्रभाकर रेड्डी साहब से मिले हैं। तमाम मसाइल वक्फ बोर्ड में जो इनग्रेटिस हो रहे हैं काफ़ी ख़ास कर जो है इंस्पेक्टर खादर साहब के वजह से जो है संगारेड्डी जो वक्फ ज़मीनें हैं दरगाहें हैं कई चीज़ जो है नहीं तो करप्शन में बहुत आ गए हैं तो इस वजह से हम जो है सलीम साहब से नुमाइंदगी करें। सलीम साहब बहुत अच्छे चेयरमैन हैं और हमारी पार्टी की ताज रखे हुए वक्फ बोर्ड के अंदर हुए यहाँ पर जो है हम शिकायत कर रहे तो जो है खादर साहब मेरे पर जो है जूता उठाए हुए हैं नहीं बिल्कुल बोलो आप सुनिए जूता उठाए हुए हैं हम जो है इसकी मजम्मत करते हैं। खादर साहब को अगर सस्पेंड नहीं करें हम जो है धरना करेंगे। मैं एक पहले जो टीआरएस का कारकुन हूँ पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा हमारे मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब को बोलूंगा कुत्ता प्रभाकर साहब को बोलूंगा हमारे इंचार्ज चिंताला प्रभाकर साहब को बोलूंगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब के सामने इस बात रखेंगे। खासकर जो हम इस वजह से जो है उनका गुस्सा आना क्योंकि जो है ना उन्हें गुस्सा करना इसलिए मालूम होता है कि जो है ना खासकर उन्हें कितने करप्टेड है। मेरी दरगाह के 7,000 रुपये करंट का बिल खा गए हुए मैं जब किराया वसूल कर रहा हूँ सही तो उन्होंने खुद आके मेरे को बोल रहे हैं कि तुम इतनी ईमानदारी करने की क्या जरूरत है जो किराएदार है उनको भड़का के जो है खादर साहब उनको शह दे रहे हैं इस वजह से वक्त जायजाद जो है
काफ़ी तरह हर जगह वक्स प्रॉपर्टी इस वजह से चले गए। हम सलीम साहब से नुमाइंदे ये कर चुके हैं क्योंकि हम उसको सस्पेंड करना बोल के, अगर सस्पेंड नहीं हुआ कादर साहब हम यहाँ पे धरना पे बैठेंगे, वक्फ बोर्ड के अंदर आके बाहर धरना पे बैठेंगे। हमारे को तवक्कु दिए हैं हमारे सलीम साहब चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के, हम इंशाल्लाह जो है इसको सस्पेंड करेंगे और उसका तबादला मिला के हम बोले सस्पेंड से हम मानते ही नहीं कुछ भी, क्योंकि और एक हफ्ता देखेंगे उसके बाद धरना करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे करप्ट ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जो है नाक पे पूरा ख़त्म कर दिए हो चुके हैं। और एक हम जो है ना खासकर बेहद शुक्रगुजार हैं हम सलीम साहब के और ख़ासकर हमारे इंचार्ज संगारेड्डी के हमारे हकीम साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं हम। History created by Shaheen Group of Institutions. Kartik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Mohammad Arbaz Ahmed has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.